मैजिकल मेकओवर। जी हाँ, बारी है मैजिकल मेकओवर की। आयशा का एक बहुत ही खास राजस्थानी अंदाज और फैन को कौन सा रूप मिलने वाला है, जानना चाहते हैं ना आप? तो देखिए, आयशा से एक कोई न्यू वर्जन ऑफ आयशा है जिसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या पवार है और मुझे बहुत पसंद है, बहुत क्यूट है। दैट इज अ वेरी रॉ ब्राइडल लुक जिसमें वो बहुत सारे बंजारा बैंगल्स आपको पहने दिखेंगी, चूड़ा पहना होगा, बहुत सारे बैंगल्स, वेरी रफ रॉ काइंड ऑफ ब्राइडल लुक। अमावस के बाद जो हर घर में रोशनी भर दे, वो चांद खुद को साजन बनाकर अपनी ही याद में जो चकोर को एक टक देखने पर मजबूर कर दे, वो चांद प्यार करने वालों को जो कस्मे खाने पर मजबूर कर दे, वही चांद मॉनसून के इस मौसम में भी बादलों को चीर कर बाहर आ चुका है। और आज इस चांद की चांदनी चारों तरफ ऐसे जगमगाएगी जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में चांदनी रात में सितारों को अपने दामन में समेटे नीला चांद जगमगाता है। और आज इतिहास में पहली बार SBS ओरिजिनल्स में ये चकोर बिना निराश हुए अपने चांद से भी मिलेगी और नेहा अद्विक महाजन को दिल से थैंक यू कहेगी, क्योंकि ये है SBS ओरिजिनल्स का मैजिकल मेकओवर। तो गाइस, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम हाजिर हैं नेहा अद्विक महाजन के हाथों के जादू को ना सिर्फ एक और स्टार पर चलते हुए देखने के लिए, बल्कि उसी जादू में आप में से ही चुने इस फैन के भी वारे न्यारे होते हुए देखने के लिए। तो नेहा जी, बिना देर किए ऑडियंस को भी बता दीजिए कि आज आयशा सिंह के साथ मैजिकल मेकओवर्स में क्या क्या खास होने वाला है। और हाँ, हमारी आज की लकीएस्ट फैन से भी तो मिलना है। आयशा के लिए जो मैंने लुक प्लान किया है, दैट इज अ टोटली ट्रांसफॉर्मेशन वाला लुक जो उनके ऑन स्क्रीन है, वो जो सही प्ले करती है उससे एकदम कॉन्ट्रास्टिंग ऑडियंस को देखने को मिलेगा। दैट इज अ वेरी रॉ ब्राइडल लुक जिसमें वो बहुत सारे बंजारा बैंगल्स आपको पहने दिखेंगी, चूड़ा पहना होगा, बहुत सारे बैंगल्स, वेरी रफ रॉ काइंड ऑफ ब्राइडल लुक। सो जैसे कि आयशा और मैंने एक स्टोरी पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे टू सर्च फॉर द बिगेस्ट फैन ऑफ आयशा, तो आयशा ने जैसे ही स्टोरी पोस्ट की, मुझे बहुत सारे लंबे लंबे ऐसे जैसे मैसेजेस आए कि हाउ दे लव योर कैरेक्टर साई ऑन गुम है किसी के प्यार में, एंड दैट्स हाउ आई शॉर्टलिस्टेड ऐश्वर्या बिकॉज शी वॉज आफ्टर मी कि प्लीज मुझे ही वो मेकओवर चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ और बहुत थ्रिल्ड थी ऐश्वर्या आपसे मिलने के लिए, कि मुझे नहीं पता था कि कौन आने वाला है, किससे मुलाकात होगी। एंड मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा थॉट है, बहुत ही प्यारा थॉट है कि सिर्फ मेकओवर तो यू नो वो सिर्फ ग्लैमर का पार्ट हुआ, राइट? दैट इज जस्ट ग्लैमर, बट वन एंड वन यू नो मिलना अपने फैन से, उन लोगों से जिनके लिए आप ये सब चीजें करते हो। जी ऐश्वर्या, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं कब से वेट कर रही मैम, कब आ रहे मैं बहुत नर्वस भी और वेट भी बहुत कर रही थी, यहाँ मैम कैसे दिखेंगी, मैं बहुत भी सोच रही थी यहाँ मैम कौन सा लुक बनाएंगी। तो फाइनली मैम आ गई है। तो ऐश्वर्या के सामने आयशा ने तैयार होना शुरू कर दिया, हेयर एंड मेकअप हुआ, ज्वेलरी भी पहनाई गई, लेकिन उस पर था ये ऑरेंज बड़ा सा ब्लेजर। पहले हमें लगा कि ये क्या अलग कॉम्बिनेशन है,
लेकिन जब ये ब्लेजर उतरा और आयशा सिंह नजर आई इस राजस्थानी लहंगा चोली में, तो मानो 5 मिनट के लिए हमारी बोलती बंद हो गई, क्योंकि आयशा की तारीफ के लिए हमें वैसे ही अल्फाज नहीं मिल रहे थे जैसे ओम शांति ओम में शांति प्रिया को देखकर ओम के अल्फाज नहीं निकल रहे थे। और दूसरा, आयशा के कमाल के पिक्चर परफेक्ट पोजेस। शायद ये पहली बार था कि दूर खड़ी फैन ही नहीं बल्कि इसे कवर कर रही हमारी टीम बस खो गई। इस लुक से नजर हट ही नहीं रही थी कि नेहा अद्विक महाजन ने आयशा पर दूसरा लुक ट्राई भी कर लिया, यानी इस मखमली दुपट्टे को बदलकर ये देसी मगर क्लासी दुपट्टा दे दिया। और जब आयशा ने इसे अपने सर पर ओढ़ा तो ट्रस्ट मी, वहां खड़े हर कुंवारे को शायद अपनी दुल्हनिया की झलक नजर आ गई। और जिनकी शादी हो चुकी है अब वो इस फोटोशूट को देखकर बस आहें भरे। नेहा अद्विक महाजन फैन ऐश्वर्या और हम खुद आयशा के इस फोटोशूट में इतना डूब गए कि बातों ही बातों में अचानक से आयशा ने वही ऑरेंज ब्लेजर पहन लिया। लेकिन नेहा का सेंस ऑफ लुक तो देखिए, उन्होंने इसी लुक को ऐश्वर्या का लुक ऑफ द डे बना दिया। मान गए नेहा जी आपकी पारखी नजर को। तो ये एक तरह से ब्राइडल लुक है भी और नहीं भी, बिकॉज ये थोड़ा सा बोल्ड है। हमने काफी सारे हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट किए, बहुत लंबे लंबे फ्लिक्स रखे हैं, सो दैट यू नो इट गिव्स अ वेरी रॉ काइंड ऑफ अ लुक। और हमने इसमें 2-3 वेरिएशंस किए, लाइक विदाउट द दुपट्टा, वन विद अ हैवी दुपट्टा एंड वन विद अ वेरी लाइटर दुपट्टा। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड काफी डिफरेंट है ट्रू। yes. और काफी कहीं ना कहीं हल्का सा बोहेमियन वाला फीलिंग देता है, राजस्थानी हल्का सा, यू नो इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ कल्चर्स, काफी सारे कल्चर्स का ब्लेंड इन है। बिकॉज हमने वो जो दुपट्टा ड्रेपिंग किया था वो बहुत ही राजस्थानी कल्चर को डिपिक्ट करता है, विद दिस माथा पट्टी एंड द शीश पट्टी जो हमने पहना है। करेक्ट, करेक्ट। एंड हाँ, थोड़ा बोल्ड है, सो इट्स अ न्यू टेक एंड नया साइड ऑफ आयशा आल्सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर। मुझे अपने लुक्स बहुत अच्छे लगे और बहुत ही डिफरेंट लगे फ्रॉम मतलब आयशा एज अ पर्सनैलिटी राइट इज वेरी डिफरेंट। एंड जो मुझे जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं बहुत ही कैजुअल एंड लाइट यू नो हूँ विद माई लुक एंड माई अपियरेंस एंड एवरीथिंग। एंड इट्स लाइक यू नो टिप टू टो everything is you know you very particularly designed and crafted to you know bring it together। इस पूरे शूट के दौरान ऐश्वर्या इंतजार कर रही थी कि कब वो आयशा की तरह सजेंगी, कब वो वैसी ही ड्रेस पहनेंगी जैसा आयशा ने पहनी है। मोनोटोन टाइप का लुक दिया है, सो दैट इट लुक्स वेरी शीक, एजी एंड क्लासी एट द सेम टाइम। मैं क्या बता सकती, मेरे पास लफ्ज ही नहीं मैम के लिए कहने के लिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। मैजिकल मेकओवर्स में आज होगा आयशा की फैन ऐश्वर्या का सपना पूरा, अपने मनपसंद सितारे की तरह सजने का सपना। लेकिन उससे पहले आयशा को मिलेगा वो गेटअप जो आयशा की फैन ऐश्वर्या को मिलने वाला है। इसीलिए आयशा दोबारा बैठ गई हैं आईने के सामने और एक बार फिर शुरू हो गया है नेहा महाजन का जादू।
पहले तो आयशा को इंडियन लुक मिला था, मगर आज बिल्कुल अलग है। आज आयशा सजने वाली है ब्लू वेस्टर्न ड्रेस में, इसलिए आंखों पर आई शेडो में भी हल्का ब्लू रंग दिखेगा। आंखें भी थोड़ी ब्लू नजर आएंगी और हाथों के नाखून भी ब्लू नजर आएंगे विद सिल्वर शिमर। और हाँ, बालों पर एक्स्ट्रा रंग बिरंगी चोटियां भी लगेंगी ताकि ये लुक परफेक्ट लगे। और देखिए, जब आयशा के सिर पर ब्लू कैप लगी तो हो गया ये लुक पूरा, और चल गया जादू आयशा के नखरों का, उसके लुभावने अंदाज का और फोटो परफेक्ट पोजेस का। हमने इस लुक का नाम जो डिसाइड किया है, दैट इज आउट ऑफ द ब्लू। खूब सारे रंग इसमें हमने ब्लू के शेड्स डाले हैं, बिकॉज इट्स वेरी एजी। सो इसमें डेडलॉक्स भी हमने डन हियर एंड विद द शिमरी कैप एंड एवरीथिंग। मेकअप की बात करें तो हमने आईज बहुत ही स्मोकी ब्लू रखी है, बिकॉज ये आउट ऑफ द ब्लू लुक है, हमने इसको नाम दिया है। ये हमने एक मोनोटोन टाइप का लुक दिया है, सो दैट इट लुक्स वेरी शीक, एजी एंड क्लासी एट द सेम टाइम, तो ओवर भी ना लगे, थोड़ा ओटीटी भी ना लगे, बिकॉज हमने काफी सारे एलिमेंट्स ऐड किए हैं। आयशा जब तैयार हो रही थी, जब उसका फोटो शूट हो रहा था, तब उसकी फैन ऐश्वर्या ये सब कुछ ध्यान से देख रही थी। अब मन से तो वो तैयार हो ही गई है ऐश्वर्या से आयशा बनने के लिए, बस अब तन से बनना बाकी है, जो कुछ ही पलों में अपने जादू से पूरा करेंगी नेहा महाजन। तो बताइए ऐश्वर्या, क्या कहना है आपका इस मेकओवर के बारे में? मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था ऐसा लुक में मैं देख पाऊंगी। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैम ने इंस्टाग्राम में फोटो डाले थे, अलग थे, तो मैंने भी थॉट बनाया इस बार भी अलग ही होंगे, कुछ यूनिक होगा जो मैंने सोचा नहीं होगा। सच में मैम ने वैसे ही किया है, बहुत मतलब मेरे सोचने से अलग था। तैयार कर दिया आयशा ने इसको अभी से, एक पोज हो जाए, आई थिंक वो पुल ऑफ करेगी बहुत अच्छा। कुछ समय की मेहनत मगर जिंदगी भर याद रह जाने वाला असर, यही तो जादू है इस मैजिकल मेकओवर का। और देखिए, आयशा की फैन बिल्कुल आयशा की तरह तैयार हो गई है। एक आम लड़की आज बन गई है खास, कैमरे के सामने उसने भी सितारे की तरह अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया है। बता सकती, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है मैम के लिए कहने के लिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और टाइम कैसे चला गया आई डोंट नो, मैं बता भी नहीं सकती। मैं थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, माय प्लेजर। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया होता तो मैं वेट ही करती रहती। आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा, आयशा मैम से मिल पाई, आपसे मिल पाई, आपकी टीम बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, वी आर ग्लैड। तो आई थिंक आप लोगों को भी ऐश्वर्या का लुक देखने में उतना ही मज़ा आएगा जितना हम लोगों को रिक्रिएट करने में आया, और इनकी पिक्चर्स भी बहुत ही अमेजिंग आई हैं। सो शी ट्राई टू follow what Aisha did and I think वो truly succeed की इसमें। मैंने first time आई थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी यार, क्योंकि first time था मेरा, तो मैं सोच रही थी क्या होगा क्या नहीं। मैडम के साथ पूरी टीम के साथ टाइम निकलते निकलते मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर आयशा मैम का लुक, उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए शौक में थी मैं भी ऐसे लुक में होंगी, देन आएंगी मुझे कैसा लगेगा। आई थिंक आयशा का लुक तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसीलिए मेरा मन था कि जो मैंने आयशा के लिए लुक क्रिएट किया वही मैं ऐश्वर्या के लिए करूं, एंड ऐश्वर्या के लिए करना इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बहुत ही मुझे यू नो मेहनत लगी, बिकॉज ऑफ कोर्स उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं कर रहा, तो उनकी एक अपनी हेजिटेशन है, अपनी शाइनेस है, जिसको मुझे निकालना था, बिकॉज उनको जो मैंने लुक दिया है वो बहुत ही बोल्ड काइंड ऑफ यू नो इंग्लिश लुक दिया है एंड वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल वाला लुक दिया है, सो आई वॉन्टेड टू चेंज हर पर्सनैलिटी टोटली। आई थिंक उसमें मैं तो कामयाब हुई हूँ, बाकी हमारी ऑडियंस हमें बताएगी कि उनको ये मेकओवर कैसा लगा, मैजिकल मेकओवर कैसा लगा। अपने चहेते सितारे से मिलने का और फिर उन्हीं की तरह मेकओवर पाने की खुशी ऐश्वर्या के चेहरे पर साफ नजर आ रही है, और एक फैन के सपने को पूरा होता हुआ देखकर हमें भी खुशी मिली। अगले हफ्ते भी ये जादू चलेगा, एक और फैन का सपना पूरा होगा, बस आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले और नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब आपको लिए चलते हैं एक अवार्ड कार्यक्रम में।
बीती रात मुंबई में हुआ ये अवार्ड कार्यक्रम और वहां पहुंचे बहुत सारे कलाकार, तो हम भी पहुंच गए आपके लिए। इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल दुनिया का वो अल्फाज जिसे आजकल हर कोई जुड़ना चाहता है। ज्यादा नहीं, सिर्फ दो साल पहले की बात करें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टर्स का अलग तबका था और इन्फ्लुएंसर्स का अलग। लेकिन वक्त की चाल तो देखिए, अब कई सारे एक्टर्स भी खुद को इन्फ्लुएंसर्स कहलवाना चाहते हैं। और मुंबई में हुए इंडियाज इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स की शाम में ना सिर्फ डिजिटल दुनिया के असली इन्फ्लुएंसर्स बल्कि टीवी इंडस्ट्री के कई सारे सितारे भी जुड़े, जिनमें से कुछ अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बन चुके हैं। वेल आई थिंक ये बहुत ये इन्फ्लुएंसर्स आई गेस का एज है, बट एट द सेम टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ठीक से चुनें कि आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और किससे नहीं। आई थिंक दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर वो इंसान है या वो बंदा है जो मतलब या बंदी है जो यू नो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं टू डू समथिंग इनक्रेडिबल, टू डू समथिंग डिफरेंट। थोड़ा हट के सोच होती है उनकी एंड जब हम उनका कंटेंट देते हैं देखते हैं वी कम टू नो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। बहुत अच्छी चीज़ है यार, आई फील लाइक हर तरीके का कंटेंट क्रिएशन हो रहा है आज की डेट में एंड टू अपलॉड पीपल हु आर पुटिंग इन टाइम एंड एफर्ट इन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर पीपल, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट एंड आई फुली सपोर्ट द अवार्ड फंक्शन। आई थिंक हम सभी इन्फ्लुएंसर्स हैं कहीं ना कहीं, वी इन्फ्लुएंस पीपल अराउंड अस इन अ वे। आई मीन यू डोंट हैव टू बी एन एक्टर और अ क्रिएटर टू बी दैट। I think in a lot of ways, every human being is an influencer. But now you're able to, you know, if you're able to do it on large scale with any skill you have or talent you have, now you can find a way to monetize it. Or isse aap ek apna career bana sakte hain. Ji, main nominated hu best debut actress for Chehre. To meri first film hai aur uske liye nominated hu. To badi nervous bhi aur excited bhi. Agar ek taraf Mr. Faizu jaise dikhne wale Adnan se lekar करण कुंद्रा और राखी सावंत थे। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव बिकॉज द फ्यूचर इज दिस। हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं यू नो दे हैव प्रूवन दैट दे आर नो लेस एंड यू नो लाइव्स हैव चेंज्ड। सो मुझे लगता है कि एक जमाना था, आज ये इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है एंड ये जो हमारा इनिशिएटिव है उनको सपोर्ट करने का, उन्हें यू नो एक प्लेटफॉर्म देने का। तो दूसरी तरफ टीवी की बहुओं से लेकर टीवी की माँ भी है और लगे हाथ हमने एक बार फिर से वो कहावत भी देख ली कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। वो क्या है ना, कुछ सितारों को जब सक्सेस मिलती है तो उन्हें लगता है कि वो इंटरनेशनल चेहरा है और यहाँ पर भी एक ही अदाकारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी शाम उन्हीं का इंतजार कर रही हो, हर कोई उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों से यहाँ पर वेट कर रहा हो। लगता है कि वो खुद को सदी की सबसे महान अदाकारा समझती है और इन्हें हर पल प्रमोट करने वाले मीडिया के सामने इन्हें एक मुलाकात करना भी गवारा नहीं।
ऐसे नखरे तो दीपिका पादुकोण तक नहीं करती और शायद इसीलिए वो द दीपिका पादुकोण है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि टीवी की अनुपमा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे हो गई। खैर, शाम को चार चांद लगा यहाँ मौजूद हर एक जानदार चेहरे और उनके फैशन स्टेटमेंट से। Something that Juhi has got me, and it's an incredible outfit. It's a great look, and I have been very, very excited to wear this. So yeah, that's what it is. Kuch nahi yaar, I am not very fashionable, to be really honest. I am very fortunate that I work with talented people who tell me ki saqib aap ye pehnenge to achhe lagenge. To fir main pehnta hu, aur aap keh rahe hain acha lag raha hu, to achhi baat hai. आप बताएं, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद पहन के आया हूं, मुझे ठीक लग रहा है. Thank you sir. अपनी लुक के बारे में ना मैं खुद नहीं बोलती हूँ, मैं अपने फैंस के लिए छोड़ देती हूँ टू टॉक अबाउट माय लुक. आई ट्राइड माय बेस्ट टू लुक ब्यूटीफुल एंड आई होप आई एम लुकिंग. और हाँ, इन मोहतरमा को कौन भूल सकता है भला, जो आजकल ऑलमोस्ट हर पेपराजी और खास तौर पर इंस्टाग्राम की पहली पसंद बनी हुई है. ध्यान से देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि उर्फी जावेद है. तो अगर इन सभी की स्टाइल में से हमारे व्यूअर्स ने भी कुछ चुना हो, खुद को कहीं ना कहीं इंस्पायर किया हो और ऐसा ही कुछ लुक आप खुद पर ट्राई करने की सोच रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और उसके बाद अपने अटायर की तस्वीर हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कीजिए और हम SBS Originals के जरिए उसे दुनिया तक पहुंचाएंगे. मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. सीरियल विद्रोही की कल्याणी याद है आपको? ऑफ कोर्स आपको याद ही होगी, कैसे भूलेंगे आप. कल्याणी का असली नाम क्या है ये पता है? चलिए ये हम बता देते हैं, हेमल नाम है हेमल. अब हेमल के पास हम गए थे क्योंकि हमें उनके साथ मॉनसून स्टोरी करनी थी और वो भी बड़ी बेताब थी कि बारिश में झमाझम तो करना ही पड़ेगा, छमाछम करना पड़ेगा. लेकिन अचानक बारिश रुक गई, ये देखिए धूप निकल आई है. लेकिन जहाँ सास बहू और साजिश हो वहाँ बारिश का भी इंतजाम हो ही जाता है. हो गई देखो उनके साथ मॉनसून स्टोरी. आप सबकी प्यारी कल्याणी और आज मॉनसून स्टोरी करने आए हैं. लेकिन हमारी किस्मत देखिए, वैसे तो मुझे सनी डेज बहुत पसंद है, शायद भगवान ने मेरी सुन ली. और आज इतना ज़्यादा सन है, शाम के 4:30 लगभग हुए हैं, फिर भी इतना सनी है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी सनराइज हुआ है. तो मॉनसून स्टोरी तो नहीं, लेकिन हम बीच पर आज बहुत सारा मज़ा ज़रूर करेंगे. जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हाई टाइड है, यानी कि जो लगभग सी का लेवल वहाँ तक होता है, आज आ गया है मेरे पैरों तक. और मुझे बचपन का गेम याद आ रहा है जो हम हमेशा खेला करते थे, कि जैसे ही वेव आ जाती थी तो हम भागते थे और वेव से पास जाने की कोशिश करते थे. सो आई थिंक आज यही सब हमें खेलने मिलने वाला है और आपको देखने मिलने वाला है बचपन की हेमल कैसी थी. सोचा था कि भगवान ने आज मेरी सुन ली है
और बारिश नहीं हो रही है, मुझे भीगना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने देख लिया, मैं जैसे बात कर रही थी तभी पानी आके मुझे मेरे पैरों को पूरा गीला कर दिया और मेरे जूते अभी मैंने उतार दिए हैं। तो अब मॉनसून का मज़ा हम ले ही रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे मेमोरी में जो आती है वो है भुट्टा खाना। ऑफकोर्स उसके बिना तो कम्प्लीट होता ही नहीं है मॉनसून। खट मीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? नींबू मसाला, मसालेदार होना चाहिए भुट्टा, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। जैसे हम वो बोलते हैं ना, देसी जुबान है मेरी, मुझे मसाले के बिना मज़ा नहीं आता, सो वी नीड दैट। शाये वाला डांस था, उससे इम्प्रेस होके मेघ बरस चुके हैं थोड़े बहुत, और उतने ही जितना हमें एंजॉय करने के लिए ज़रूरी थे। सो इस तरह से हमारा टोटल आज का ये जो सेगमेंट है सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि अमेजिंग बारिश है, अमेजिंग वेदर है, विंडी है, काफ़ी सारा सनी भी है, आज सब कुछ हमने विटनेस कर लिया है यहाँ पर। यूँ तो सावन का महीना चल रहा है और लोग शिवजी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन हमें ना कान्हा जी की याद बहुत सता रही थी, इसलिए हम पहुंच गए मथुरा वृंदावन, नहीं नहीं गोकुल में, यशोमती मैया के नंद लाला से मिलने के लिए। आप आएंगे हमारे साथ सीरियल की इस गोकुल नगरी में? हमारे घर की लंच स्प्रेड है और हम लोग जंगली नहीं है, हम लोग बस जंगल में रहते हैं। हमारे जहाँ से टिफ़िन आती है ना, घर का खाना बना के देती हैं वो, क्योंकि हम घर से बहुत दूर हैं तो हमें ना होटल का खाना नहीं अच्छा लगता, तो हम एक दीदी है हमारे लिए वो खाना बनाती हैं। वो पता नहीं क्यों उनको लगता है कि मेरा नाम स्नेहा है। सो क्यूट, मैं उनको करेक्ट भी नहीं करती, उन्होंने मेरा नाम हमेशा से स्नेहा लिखा है और उसके बाद जसोदा भी लिखा है, क्या इन कैरेक्टर, शी इज़ ऑल्सो इन गोकुल कैरेक्टर, शी कॉल्स मी जसोदा जी। सो ये मेरा डब्बा है। हम दोनों इनको इरिटेट करने के लिए, क्योंकि हम दोनों एक ही टीम में हैं, इसीलिए शुरू में सारे चम्मच, एक मिनट रुक बेटा, इसीलिए सारे चम्मच लेके बैठी थी और हम लोग इनको इरिटेट ना करें ये कोशिश कर रही थी। जैसे कि आप देख सकते हो हम बलदाऊ के साथ बलदाऊ को लेकर बैठी हूँ, एक ही थाली में खाएंगे हम लोग, तो बहुत ज्यादा प्यार है बेटा, खाओगे ना? तो ये है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, ये है दाल, तो ये नेहा दी ने दिया, ये है गवार की सब्ज़ी, ये गवार की सब्ज़ी है,
पर हम गवार नहीं हैं, हम सिर्फ गवार खाते हैं, हफ्ते में 3 बार गवार खाते हैं। हमारी जो टिफिन वाली उन्होंने तो पनीर भेजा है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे पनीर पसंद है। बाबा थोड़े शौकीन है, नंद बाबा शौकीन वाले हैं। और ये बहुत अच्छा सा पनीर आया, जिसका तेल मैंने कहीं तो निकाला था, वो गया अभी। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो रोटियां हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि दो तीन ज्वार की रोटी वहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे गेहूँ की रोटी, चावल, हमारे पास वैरायटी है सब चीज़ों की। तो साथ में खाना खाने में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि बहुत सारी वैरायटी हो जाती है, जो अकेले खाना खाओगे तो नहीं मिल पाती है। खाने पे फोकस करते हैं, त्रिशा ने इतनी सही बात बोली है, मैं तो फैन हो गई यार तुम्हारी। त्रिशा ने बोला खाने पे फोकस करते हैं। ज्यादा प्यार कौन करता है बेटा? हैं कौन? मैया। तो बाबा क्या करते हैं फिर? गौशाला करते हैं बाबा। अभी तो इनके पर निकलने शुरू हुए, धीरे 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 पंख फैलाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि हम इस सेट के सरताज हैं। थोड़े दिनों में इसका ये होगा। देखो खाने में एक ऐसी चीज है जो मैं सब कुछ खाने के बाद में ना एक जैसे तलब होती है ना, मीठा होना चाहिए। तो चाहे कुछ हो ना हो, चाहे मैं एक टुकड़ा ही मीठे का खाऊं, लेकिन मुझे खाना होता है, चाहे मैं कितनी भी डाइट पे हूँ। पहले मैं बहुत मीठा खाती थी, अब मुझे मीठा कंट्रोल करना पड़ता है। राहुल तेरे को मैंने रोका ना उस दिन, मैं बोला नो राहुल नो, मैं नहीं खा सकती, मैंने कंट्रोल किया। नहीं जगह है, नहीं जगह है, अरे हम कह रहे ना नहीं जगह। सो आई मीठा तो मैं फिर भी मुझे अपने लिए कंट्रोल करना पड़ता है। वन थिंग दैट आई कांट कंट्रोल इज आई नीड नमक। सी इवन नाउ यू सी नमक ऑन माय प्लेट, जो मेरे परिवार को भी और मेरे सारे परिचितों को प्रॉब्लम। खाने के बाद वाली भूख, कुछ तो मीठा हो जाए, वो वाली भूख लेती हूँ। हाँ वो वाली। ये ऐसा मत सोचिएगा कि इनके पास छोटा पीस, मेरे पास बड़ा पीस, ये ऑलरेडी अपना वाला खा चुकी है। तो ये मेरे वाले में से इनको थोड़ा सा मैं शेयर करूँ। नंद बीइंग अ नंद इज यू नो शेयरिंग केयरिंग। बोलो क्या बोलना चाहती हो? मुझे पिज्जा पसंद है, दाल पसंद है और पिज्जा दाल और जो वो कुछ भी नहीं है। हरी सब्जियां तुमको पसंद है ना? ये हाँ। सारी हरी सब्जी खाती है, कितनी अच्छी बच्ची है। और दिमाग खाना तो हमारा हो गया है खाना। हम पूरा नंद परिवार जो है विथ रोहिणी जी परिवार, हमने खाना खा लिया है, हमने भोजन कर लिया, अब हम भजन करेंगे, फिर से भजन करेंगे। यशोमती मैया के नंदलाला देखते रहिए, हमें प्यार देते रहिए। और 1 अगस्त से 8:30 बजे से आने वाला है हमारा शो, और 1 से 5 अगस्त तक 1 घंटे का महा एपिसोड आएगा, जन्माष्टमी स्पेशल। ABP News आपको रखे आगे।